ये हुआ था वहां। अबे शादियों का मौसम आ गया है। तो अबे मैं ये कह रहा हूँ, तुम दोनों में से किसी को शादी का कार्ड नहीं आया क्या? आया है ना मेरे को? आया है। अबे हमें भी लेके चलना यार। बिल्कुल यार, कैसी बात कर रहा है भयंकर। तुम्हें पता है स्कूल टाइम में भी हम ऐसे ही करा करते थे, एक जने को वार्ड आता था उसी से हम चार पांच जने जाया करते थे। अबे तुम्हें नहीं ले जाऊंगा तो भयंकर पैसे कैसे वसूल होंगे, पूरे 101 रुपए देने वाला हूँ। हाँ यार, बहुत टाइम हो गया शादी की फ्री की चौमिन खाए हुए। भयंकर आधी खाओ और आधी फेंक दो, कौन सा अपने पैसे लग रहे हैं। अबे तू क्या सिर्फ खाने के लिए जाता है क्या शादी में? अबे नहीं, लड़कियां भी तो देखने जाता हूँ। झाड़ू को तो खाली लड़कियों की ही सोचते रहती है। और पटने वाली कोई घंटा भी नहीं है। अबे कोई समझाओ बे इसको। अबे भाई किससे कह रहा है, सही कह रहा है वो। वैसे एक बात बताऊं, जितना मजा ना बुलाई हुई शादी में नहीं आता ना, उतना मजा तो बिना बुलाए आता है। अबे मैं गया हूँ ना कितनी बार, मेरे उधर को एक बैंक्वेट हॉल है, उसका सीसीटीवी देखना 2018 का, मैं और मेरा दोस्त ही चमक रहे हैं। तू चमक रहा था तो? हाँ हाँ, तेरी शक्ल देख के लग रहा है तू कितना चमक रहा होगा। वैसे शादियों में भी कितने वैरायटी के लोग देखने को मिलते हैं। नहीं, एक बार मैं एक शादी में गया था, अच्छा खासा खा रहा था मैं वहाँ, भयंकर एक बुढ़ा आ गया, इतना चिंगैन कर दिया ना मेरे को उसने पूरे शादी में, ना खुद खाया मेरे को भी खाने नहीं दिया। क्या किया? अबे कभी ये खराब है, कभी वो खराब है, कभी खाने में नमक नहीं है, कभी खाने में खाना नहीं है, ये ही पूरी शादी भर गिनती साला। अच्छा, मतलब कुछ भी बोलता रह गया, गलतियां गिनाता रह गया मेरे को पूरी। अबे हाँ हाँ, होता है यार। एक बार मैं भी गया था ना अपने उधर को शादी में, तो मेरे आगे लड़कियां बैठी थी, वो दोनों मतलब आपस में वो मतलब अपनी ही तारीफ करने जा रही थी। इतने में महंगा देखा, देखते देखते उनके बीच में लड़ाई हो गई, पता नहीं क्या हुआ, ऐसा महाभारत छिड़ गई उनके बीच में। बाद में जब पता चला तो जो दूल्हा था ना वो उन दोनों का एक्स बॉयफ्रेंड था, उन दोनों ने भयंकर एक दूसरे का ब्रेकअप करवाया था, इसके चक्कर में उनकी वो लड़ाई हुई। अभी शादी की कॉफी पी है, कितना मजा आता है। नहीं पी है ना साला, दोस्ती गर्लफ्रेंड को देख के जितनी कांड नहीं चलती ना, उतना तो भयंकर उस चाय से लोगों की जुबान जलती है। अभी मैं तो कॉफी ही नहीं पीता हूँ शादी में। तो क्या करते हैं? मैं पहले पाव भाजी लेता हूँ और फिर कॉफी लेता हूँ, और भाजी फेंक दूंगा और साइड में जाऊंगा कोने में, और पाव को कॉफी में डुबा के खाता हूँ। क्या मजा आता है यार। ये आइडिया तूने बहुत सही दे दिया यार, अब तो मैं भी ऐसी करूंगा। खाक करेगा साले, लड़की को ओयो में ले जाने में जितना चौकन्ना रहना पड़ता है ना, उससे कहीं ज्यादा शादी में कैमरामैन से रहना पड़ता है खाते वक्त। अबे अब करी ना तूने बात, भयंकर पिछले बार मैं भी शादी में गया था, वहाँ ऐसी हुआ यार, एक कैमरामैन मेरे पीछे ही पड़ गया, उसको मतलब 150 से 200 लोगों के बीच में मैं ही दिखा, भयंकर अच्छा खासा एक कोने में बैठ के खा रहा था, आ गया मेरे पास कैमरा लेके, चम्मच से उठाऊं तो सिनेमैटिकले, मुंह में डालूं तो सिनेमैटिकले। भयंकर मुंह में क्या डाला? अबे खाना खाना डालू मुंह में? इसको तो एक ही चीज सूझती है। तेरे साथ नहीं भागे कुछ शादी में ऐसे काम? गया था ना मैं वहाँ शादी में अपने पड़ोसी के गया था, और मैं वहाँ नाच रहा था, तभी एक आदमी ने 100 का नोट निकाला और ढोल वालों के ऊपर लहराने लगा। इतने में वो ढोल वाला वो पैसे पकड़ने के लिए आगे को आया, उसका डंडा मेरे सर पे लग गया। फिर तूने कुछ नहीं किया? और फिर मैंने उसी डंडे को उसकी गांड में डाल के उसकी गांड का जो ढोल बजाया ना, सुनने वालों ही सुनते रह गए। Oh no! तभी से मेरे घर वालों ने मुझे शादी में जाने से रोक दिया। अबे ढोल वाले ऐसा करते ही हैं भाई। मैंने तो भयंकर यहाँ की शादियों में भी जाना छोड़ दिया, बहुत कम जाता हूँ मैं। सही कहा भाई तूने, हमारे पहुँचने तक का तो इनका खाने ही खत्म हो जाता है। हाँ यार भयंकर, बुलाएंगे साला शादी में 100 लोग, वहाँ पहुँच जाएंगे 200 लोग, और फिर कैटरिंग वाले को दोष देंगे कि भाई तूने खाना इतना कम क्यों कर दिया। अबे उसकी भी क्या गलती, तुमने जितना बोला होगा वो उतना ही तो बनाएगा ना यार। वही तो, कौना चीज का मीटिंग कर रहा है कि बजरंग दल वाला कौन है? अरे हमारा तीसरा दोस्त है वरुण, वरुण ये मेरे चाचा है। नमस्ते चाचा। जीत रहा बेटा, ये हमरा के तनी ठीक लगा, ना तो वो तो बकलंड है। ये तो बताओ कौना बात का तुम तीनों मीटिंग कर रहा हो? जी चाचा, शादियों के किस्से सुना रहे थे एक दूसरे को। बेटा शादी का ना असली मजा तो बिहारे में है। हाँ वो तो है, एको को परंपरा नहीं बदला है वहाँ का,
आज भी लोगों को जमीन पे बैठा के खिलाया जाता है एक लाइन से सबको। और जो घर का लड़की और लड़की और मेहरारू होती है ना, मेहरारू मतलब अबे औरतें, हाँ हाँ औरत, औरत घर का जितना औरत होता है सबके लिए घर घर खाना पहुंचाया जाता है। यहाँ की तरफ थोड़ी कि बात किसी को मिला किसी को ना मिला। कितना बढ़िया है यार, बिहार का अलावा तुम लोगों को ये परंपरा कहीं और देखने को मिलेगा? बिहार का बात ही अलग है चाचा। अरे उगा यहाँ चार पेटी पहुँचाया भी नहीं, तू हमको बार बार फोन कर। भाई लोगों असली मजा ना बिहार में तब है बारात के दिन, बहन को बाहर से डांसर्स बुलाई जाती है और क्या मजा आता है ना उनके साथ नाचने में यार। हैं? अबे हमें भी लेके चलना यार अपने साथ बिहार, हम भी बहन को उनके साथ नाचेंगे कमरिया वाले गाने पे। वो लॉलीपॉप वाला गाना नहीं है कमरिया को रेला। बेटे संभल के आ, नहीं तेरे को लहंगे के अंदर ही ना छुपा ले। अबे यार भाई मजाक कर रहे हैं भाई, अबे रुक जा भाई, अबे मजाक कर रहे हैं यार।